आरसीए एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने सिंचाई के साधनों के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी के आगे जल की समस्या के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भारत देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यहाँ जल की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कारण क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसी अनुसार से जल की मांग भी बढ़ती जा रही है। देखा गया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जहाँ 71% जल NaCl के रूप में है, अर्थात ये खारा जल है, और खारा जल होने के कारण इस जल का उपयोग केवल नमक के लिए, नमक के रूप में किया जा रहा है। अब यदि इस जल का प्रतिशत के आधार पर ही निर्धारण करें तो 97.3% जल क्या है, ये खारे जल के रूप में है, और मात्र 2.7% जल हैं ये क्या है, मीठा जल, या जिसको कि अपन अलवणीय जल के रूप में भी कहते हैं। अब ये अलवणीय जो जल है ना, अर्थात इसमें लवणों की मात्रा नहीं पाई गई। अब ये 2.7% जो जल है, ये जल संपूर्ण पृथ्वी पर क्या है, अलवणीय जल के रूप में है। लेकिन क्या है कि ये भी संपूर्ण पृथ्वी पर समान न होने के कारण, और ये कहीं पर अधिक रूप में पाया गया है तो कहीं पर ये कम रूप में पाया गया है। इसी कारण से इस जल को पूर्णतः उपयोग में लेने के लिए हमें क्या करना होगा, इस जल की समस्या को दूर करना होगा। दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा, ताकि हम उस जल का कम से कम यानी व्यर्थ कर सकें, उसको बेकार के रूप में न जाने दें। इसके लिए हमें कुछ नई से नई विधियों को अपनाना होगा। तो यहाँ देखा गया कि भारत जैसे देशों में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जल प्रदूषण की भी समस्या बढ़ी है, और उस जल प्रदूषण की समस्या के कारण हमारे सामने अनेक ऐसी बीमारियां जो लाइलाज बीमारी के रूप में चल रही हैं। आज जो हमारे सामने जो कोरोना फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है, कोरोना फैला हुआ है, इसका कोई हमें अता पता तक नहीं था, लेकिन ये लाइलाज बीमारी के रूप में है। तो इसी आधार पर हम आगे का जो टॉपिक, जैसे बताया गया है कि जल की उपलब्धता का हर्ष, अगला टॉपिक अगर अपन बात करें जल की उपलब्धता, यानी क्या बताया इसमें, जल की जो उपलब्धता है उसका हास, यानी उसकी कमी कैसे होती जा रही है, इस कमी को कैसे दूर किया जाए। इसके लिए देखा गया, पहली बात तो अपन क्या कहेंगे कि जो जल है ना, और उस जल को अशुद्ध जल क्यों कैसे कहेंगे, कि उसमें ऐसे कुछ पदार्थ जो बिना मिलाए और मिल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को अवांछनीय पदार्थों के रूप में कहा जाता है, और वो अवांछनीय पदार्थ जल के क्या कर देते हैं, उस जल को अशुद्ध रूप में कर देते हैं। इसी कारण से वो जल हमारे लिए उपयोगी नहीं माना गया। तो क्या करना होगा, इस जल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए और हमें उस पर विशेष ध्यान देना होगा। हमारे यहाँ भारत में देखा गया है कि ऐसे सूक्ष्म जीवी पदार्थ जो उसमें मिल जाते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं, और दिखाई न देने के कारण ये सभी
जो हानिकारक पदार्थ जल को अशुद्ध रूप में कर देते हैं। और बताया भी गया है कि मानव की जो बॉडी है, जो मानव का जो शरीर है, उसमें लगभग 95% कितना 95% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और ये जल जो मानव के लिए क्या होना चाहिए, शुद्ध रूप में होना चाहिए। तो हमें इस जल की उपलब्धता का ह्रास रोकने के लिए क्या करना होगा, जो भी नदियां हैं, नहरें हैं, तालाब हैं, इनको वर्षा ऋतु से पहले क्या करना होगा, वर्षा ऋतु से पहले इनको गहरा करना होगा। इससे क्या होगा, इससे जल की जो क्षमता है अर्थात जो उसका जो भराव क्षेत्र है वो बढ़ेगा। जब जल भराव क्षेत्र बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जल की उपलब्धता बढ़ेगी अर्थात उस जल को संग्रहित किया जाएगा। और जब उस जल को संग्रहित किया जाएगा तो वो जल क्या है, एक लंबे समय तक उपयोग में ले सकते हैं। तो अब हमें आगे देखना होगा कि इस जल का संरक्षण और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो आगे टॉपिक है जल का संरक्षण और प्रबंधन, जल का संरक्षण और प्रबंधन। यहां देखा गया कि जल का संरक्षण यानी भावी जो पीढ़ी है उस भावी पीढ़ी के लिए जल की उपलब्धता का होना बहुत जरूरी है। और जल का की उपलब्धता होगी तभी क्या है, आगे का जीवन संभव हो सकता है। इसलिए क्या कहा गया है, जल है तो कल है, अन्यथा कल भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें जल का अधिक से अधिक क्या करना होगा, संग्रहण करना होगा। और संग्रहण के साथ साथ में प्रबंधन भी करना होगा। प्रबंधन करने के लिए क्या करें कि जो भी जल के स्रोत हैं उन जलीय स्रोतों को वर्षा ऋतु से पहले उनको गहरा करना होगा ताकि उसमें जल की मात्रा बढ़ाई जा सके। और जल की मात्रा बढ़ेगी तो उससे क्या है, लंबे समय तक उसको उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ पर भारत में ऐसी कुछ नदियाँ हैं जो बारहमासी नदियों के रूप में, उन नदियों में जल आता रहता है। लेकिन यदि उन्हीं नदियों को हम पूर्णतः क्या करें कि उसमें शुद्ध जल का उपयोग करना चाहें तो उन उद्योगों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ या अन्य क्षेत्रों से जो अवांछनीय पदार्थ उसमें मिल जाते हैं उनको क्या करना होगा, रोकना होगा। आज भारत में इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इस जल का संरक्षण है वो करना बहुत अति आवश्यक हो गया है। और इसके लिए हमें क्या करें कि ऐसे सुझाव दिए जाने चाहिए ताकि प्रत्येक युवक, ताकि भारत का एक नव युवक इस जल का संरक्षण के बारे में या जल की महत्वता के बारे में जाने और उस जल को पूरी तरह से क्या कर सके, उपयोग में ले सके। एक उदाहरण की तरफ अगर हम ध्यान दें कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या जो भी नगरीय क्षेत्र आदि हैं जहां पर बड़ी से बड़ी टंकियां होती हैं या गांव में जो भी टंकियां होती हैं, उन टंकियों में पूरे दिन भर क्या होता है कि बूंद बूंद उसमें पानी गिरता रहता है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और जैसे कहा गया है कि बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है, वही बूंद बूंद हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रूप में मानी जाती है। तो हमें इस जल का संरक्षण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक सजग होना होगा, नई से नई विधियों को अपनाना होगा, और अपनाएंगे तो उससे क्या है, संरक्षण होगा। इससे दो फायदे होंगे भाई, पहला तो उससे क्या है कि वो जल हमें पर्याप्त रूप में उपलब्ध हो पाएगा। नंबर दूसरा कि उससे भूमि का जो जल स्तर है वो भूमि का जल स्तर भी बढ़ेगा। और उसके साथ साथ में उस जल को हम अन्य कार्यों में भी या औद्योगिक कार्यों में भी
ले सकते हैं। तो जल का संरक्षण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं जिसमें से नंबर एक आता है जल प्रदूषण का निवारण। क्या करना चाहिए, जल प्रदूषण का निवारण। तो इसमें पहला दिया गया कि जल प्रदूषण का निवारण, जल प्रदूषण का निवारण। जैसे बताया गया टॉपिक के आधार पर भी अगर अपन देखें जल प्रदूषण का निवारण कैसे, कि आज हम चाहे वो घरेलू कार्यों की बात करें या औद्योगिक कार्यों की बात करें, कि उसमें अभी अपन ने क्या किया था कि भूमिगत जल के अंतर्गत बताया था कि भाई उसमें 92% क्या है उसका कृषि कार्यों के रूप में उपयोग किया जा रहा है, उसका 5% क्या है जो औद्योगिक कार्यों में उसको उपयोग में लिया जा रहा है, और उसका 3% जल क्या है घरेलू कार्यों के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। तो अब देखिए इसमें यहाँ 5% क्या है औद्योगिक कार्यों में, यहाँ 3% क्या है घरेलू कार्यों के रूप में, लेकिन इस जल को हम क्या करते हैं पूरी तरह से उपयोग में नहीं ले पाते हैं। यही उद्योगों से निकला हुआ जो जल है क्या है कि इन नदियों आदि में बहता रहता है और उस जल को क्या कर देता है ये प्रदूषित कर देता है। तो पहली प्राथमिकता हमारी ये बनती है कि इस जल प्रदूषण का क्या होना चाहिए, निवारण होना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा कि जैसे भी जिन क्षेत्रों में क्या होती हैं जो नदियां बहती हैं, उन नदियों में बहते हुए अपशिष्ट पदार्थ को रोकने के लिए क्या करना होगा कि झरने लगाने होंगे। कैसे लगाएंगे, एक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं, जैसे कि यमुना नदी। पहले तो ये बताओ कि ये यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की क्या है ये सहायक नदी है। अब इसमें कहाँ से निकलती हैं, ये यमुनोत्री यानी यमुना नदी है, ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र देखें दिल्ली, यानी प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो जो दिल्ली है उस दिल्ली में ये पूर्णतः बहती है, लेकिन दिल्ली जो महानगर की बात करें, एक देश के राजधानी की बात करें, तो इससे जो भी निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ जो यानी कूड़ा करकट आदि जो भी लोग क्या करते हैं कि घरों से जो कूड़ा करकट आदि जो प्राप्त होता है वो इसी नदी में डाल देते हैं, और ये बहता हुआ और इस नदी में क्या हो जाता है प्रवेश कर जाता है। ये नदी जो भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में मानी जाती है। अब इस नदी के जल को उपयोग में लेने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है कि जिस क्षेत्र में ये बहती है उस क्षेत्र में इसमें झरने के रूप में लगा रखी, और जैसे कि यहाँ 4 झरनों के रूप में लगाया गया। कैसे कि मान के चलें कि ये नदी इस क्षेत्र में बहती जा रही है, अब इस नदी के साथ में जो भी अपशिष्ट पदार्थ या जो मोटी सामग्री के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ आदि हैं वो बह करके आ रहा है, और वो झरने रूप में यहाँ लगा दिया गया। अब यहाँ लगाया गया है तो वो क्या है कि जो जल है वो तो आगे निकलता चला जाएगा, लेकिन उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ आदि है वो इससे यहाँ रुक जाएंगे। अब यहाँ पर वो पदार्थ रुकेंगे जो मोटे रूप में हैं, उसके बाद में नंबर आगे इसी से फिर क्या है कि दूसरा झरना यहाँ लगाया गया, और जैसे यहाँ लगाया गया तो इससे बारीक जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो यहाँ रुक जाते हैं, फिर ये जल आगे की ओर निकलता चला जाता है, फिर उसके बाद में फिर ये इससे और बारीक लगाया गया है, यहाँ पर ये जल क्या है आगे निकल जाता है, लेकिन इसमें जो अशुद्धियाँ थी वो धीरे धीरे क्या होती जाती हैं कम होती चली जाती हैं, और लास्ट में फिर यहाँ पर क्या है
के ये सबसे बारीक झरने के रूप में लगाया गया और उसके बाद में ये जो जल है ये एक बड़े क्षेत्र के रूप में फैला हुआ है। अब यहाँ पर इस जल में जो उसकी अशुद्धियाँ थी वो तो दूर हो गई, लेकिन उसमें जो बारीकी से थे, जो अवांछनीय पदार्थ के रूप में थे, उसमें क्या करते हैं कुछ केमिकल के रूप में मिलाया जाता है ताकि उस जल का जो कलर है या जो उसका रंग है वो पानी जैसा हो जाए। तो ये यमुना नदी के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र के रूप में, ताकि उस जल को प्रदूषण यानी जो प्रदूषित जल था और उसी जल को क्या है पूरी तरह से उपयोग में लेने के लिए, और ये इस प्रकार से किया जा रहा है। इसी प्रकार से दूसरा आता है जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करना, कि जल का पुनर्चक्रण यानी बताया गया है कि जल एक चक्रीय संसाधन के रूप में, जल कैसा है एक चक्रीय संसाधन के रूप में है। तो यदि हम उस जल को बार बार उपयोग में लेंगे, प्रारंभ में किस कार्य में लिया, फिर उसको दूसरे कार्य के रूप में ले सकते हैं, फिर उसको तीसरे कार्य के रूप में ले सकते हैं, इससे क्या है जल कम खर्च होगा, और जब जल कम खर्च होगा तो उसकी मांग भी नहीं बढ़ेगी और उसको पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। इसी प्रकार से नंबर तीसरा क्या होना चाहिए कि जल संभरण प्रबंधन, यानी जल संभरण प्रबंधन के लिए हमें क्या करना होगा कि इस जल को एक लंबे समय तक उपयोग में लेने के लिए जो जलीय स्रोत हैं उन जलीय स्रोतों को ज़्यादा से ज़्यादा निर्मित करना होगा। जलीय स्रोतों में चाहे वो नदियाँ हों, नहरें हों, झीलें हों, तालाब हों, उन आदि को ज़्यादा से ज़्यादा निर्मित किया जाएगा। उसमें जो जल का संग्रहण अधिक होगा, जब जल का संग्रहण अधिक होगा तो उस जल को हम क्या है एक लंबे समय तक उपयोग में ले सकते हैं, और उसी से भूमि का क्या है जल स्तर भी बढ़ता जाएगा, उसी जल का उपयोग क्या है विद्युत आदि कार्यों में भी कर सकते हैं। इसलिए आज हमने क्या है कि इस जो जल की समस्या के साथ साथ में हमने इस जल के बारे में क्या है कि उसको एक सही तरीके से उपयोग में लेने के लिए, इसके हास की कमी को दूर करने के लिए और उसका संरक्षण करने के लिए या प्रबंधन करने के लिए इससे संबंधित अध्ययन किया। आगे कल आपको इससे आगे का जो टॉपिक है वो करवाया जाएगा। आज इतना ही।